अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मी विरगो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिस रोज़ फाउंडेशन का रिव्यू। तो ये फाउंडेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। और ये मेरे पास शेड है आइवरी सिक्स में, मिस रोज़ की आइवरी सिक्स। तो इसके साथ मेरे पास जो कंसीलर है वो भी है मिस रोज़ में, उसमें भी आइवरी सिक्स जो है वो शेड है। तो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। और ये है साथ मेरे पास बेस लगाने के लिए ब्रश, इससे बेस बहुत अच्छी अप्लाई हो जाती है। तो जी, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसकी बॉटल कुछ इस तरह की है, शीशे की इसकी बॉटल है, ग्लास बॉटल। और ये बहुत अच्छी है, ये मैंने ट्राई की हुई है फाउंडेशन खुद, तो इसका मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और ये इस तरह से भी ओपन होती है, और ये पम्प बॉटल भी है, इसका पम्प भी है, ये पम्प बॉटल है और ये इस तरह से भी ओपन होती है। मैं दूसरी तरह भी आपको इसका पम्प जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है। तो चलें जी, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा कर जो है ना वो दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगी हुई है, तो इसको ये फाउंडेशन जो है वो हाइड कर देगी। मतलब बहुत अच्छी फाउंडेशन है, फुल कवरेज है और आप इजीली किसी भी फंक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंडिंग भी बहुत इजीली इसकी हो जाती है और बहुत अच्छी बेस है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इस मैं ब्रश से जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, तो लास्ट तक जो है ना वो ज़रूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको फुल जो है ना वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से है ये। और अगर आप किसी अच्छी फाउंडेशन देन की तलाश में है तो आप ज़रूर जो है ना ये एक बार ट्राई कीजिएगा।